मुहिम का ताल्लुक मुहिम के क्या मकासद है, मुहिम का क्या सफर रहा, और आज हम जिस 2000 कदम जो चले हैं और यहाँ तक जो पहुंचे हैं उस सफर की एक बात की आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्पसंख्यक मुस्लिम एजुकेशन हॉस्टल एंड वेलफेयर फाउंडेशन ये 2021 में जनवरी 2021 में हमने इसको बाकायदा जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराया जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। मुहिम के मकासद की मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें, पहला जो मकसद है मुहिम का वो है कंपटीशन क्लासेस मुनाकिद करना, कंपटीशन का दौर लगाना मुहिम का मकसद है। दूसरा मकसद है राजस्थान के हर जिले के अंदर एक हॉस्टल कायम करना, राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में लाइब्रेरी का कायम, किताबों से दूर हो जाना दरअसल आज के दौर के नौजवानों का बड़ा अलमिया है। तो ये लाइब्रेरी जो है ये दो काम करती है, उनको किताबें भी मुहैया कराती है प्लस उनको ऐसा मकाम देती है जहां वो बैठकर सुकून के साथ खामोशी के माहौल में सुकून के साथ बैठकर अपनी तैयारी कर सके। चौथा नंबर है हमारा समय समय पर यवक्तन प्रवक्तन स्टूडेंट गाइडेंस कैंप का आयोजन करना। पांचवा है हेल्प डेस्क कायम करना, क्योंकि तालीम से मुताल्लिक बहुत सारे मसाइल रहते हैं जिसमें बच्चों की रहनुमाई नहीं होने की वजह से या तो वो गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, या और दीगर इस तरह की जो मसाइल आते हैं उनको कैसे हम दूर करें, उनका इफाफा कैसे करें, उसके लिए हेल्प डेस्क कायम करना। और स्कूली बच्चों के लिए दीनी क्लासेस का अहतमाम, ये कुछ बुनियादी मकासद मुहिम के हैं। अब तक मुहिम ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसका एक सरसरी सा फाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जोधपुर में मुहिम आरएस फाउंडेशन क्लासेस हम चलाते हैं, उसके 3 बैच मुकम्मल हो चुके हैं। आरएस के अंदर हम 100 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं और उनको 5 महीने की यहां ट्रेनिंग देते हैं। जोधपुर में ही स्पोकन इंग्लिश क्लास का एक बैच हमारा मुकम्मल हो चुका है, इंग्लिश आज की जरूरत है तो उसको मद्देनजर रखते हुए। टोंक के अंदर रीड की कोचिंग के हमने 3 बैच लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ी कामयाबी की ये बात है, मुझे उम्मीद है कि आपके हाथ तालियों के लिए जरूर उठेंगे। इस साल 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं रीड में हमारी कोचिंग के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चों का गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन हो गया है। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गया, तो यह हौसला बख्शता है। लाइब्रेरीज का कायम और स्कूल लेवल की कोचिंग पर भी हम काम कर रहे हैं, 6, 7, 8 और 9, 10 अगर बेसिक हमारे बच्चों को मजबूत हो जाए तो मैं समझता हूं फिर आगे उनको किसी किस्म की परेशानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगी। तो नैनवा बूंदी के अंदर ऊंटड़ा किशनगढ़ अजमेर में और हत्की दिक्की मालपुरा टोंक में हमारी लाइब्रेरी कायम हो चुकी है और ये बच्चों की जो तालीम का सिलसिला है ये भी चल रहा है। ऑनलाइन रिसोर्सेज आप जानते हैं सारा काम अब ऑनलाइन मोड पर जा रहा है, एजुकेशन की बहुत बड़ी हद तक जो है वो ऑनलाइन मोड पर चली गई है। तो ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं हम, संडे ऑनलाइन, हर संडे ऑनलाइन टेस्ट होता है, रोजगार के जो भी नई वैकेंसीज आती है वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के भी हमारे चैनल बने हुए हैं। ये दोनों ये सारे काम जो है हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के जरिए से पिछले 3 से 4 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हर ग्रुप के अंदर तलबा इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूट्यूब का अपना मुहिम का अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारी एक्टिविटीज भी आती रहती है, क्लासेस भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मुहिम इनसे मिलिए इनसे जानिए कार्यक्रम, जिसमें जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में नुमाया कामयाबी हासिल की है उन लोगों के इंटरव्यूज का सिलसिला हमें चलाते हैं ताकि बच्चे ये देखें कि किस तरह से कामयाबी हासिल की जा सकती है और उनसे उस कामयाबी के गुण सीखें। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बड़ा काम मुहिम ने पिछले साल किया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चों के सैंपल्स आते हैं तो वो दूसरे जिलों में आते हैं, जयपुर वाला जोधपुर आ रहा है, जोधपुर वाला टोंक जा रहा है, कोटा जा रहा है, बाड़मेर जा रहा है, चाहे वो आरपीएससी के हों चाहे आरएएस के एग्जाम्स हों, तो बाहर से लोग आते हैं तो उनको रहने की खाने की प्लस सेंटर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मुहिम ने हर जिले में बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां जहां सेंटर्स आए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वहां जितने भी स्टूडेंट्स थे इस बात का बिला मिल्लत के और मजहब मिल्लत के तफरीक के जो भी आया उसको वहां रहने की
और खाने की और उसको जो सेंटर है उसका सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और ये एक बहुत बड़ा काम था। इसमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं की गई ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, बच्चों को जो परेशानी होती है उससे वो उसका सामना ना करें। अब जो मेन काम है मुहिम का हॉस्टल, टोंक के अंदर किराए की बिल्डिंग में हॉस्टल और लाइब्रेरी ऑलरेडी चल रही है जहां रीड की क्लासेस हमारी चलती थी। कोटा के अंदर लड़कों के लिए एक हॉस्टल हमारा किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। कोटा के अंदर ही लड़कियों का एक हॉस्टल किराए की बिल्डिंग में हमारा चल रहा है। जोधपुर में मैंने आपको कहा था हमने आरएस मुहिम आरएस फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस लगाई। आरएस फाउंडेशन कोर्स जो 100 बच्चों को हम सेलेक्ट करके यहाँ मुस्लिम स्कूल कैंपस में चलाते हैं, ये थोड़ी सी उसकी तफसील है। इसमें हम बच्चों को आरएस स्तर का फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं। ये टफेस्ट कोर्स है। जब बच्चे आरएस लेवल की जीके और आरएस लेवल के सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी या कम से कम उसको गेन कर ले तो हमें उम्मीद रहती है कि बच्चा आरएस ना बने लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी चॉइस है, चाहे वो पुलिस में जाना चाहता है, चाहे वो एजुकेशन में जाना चाहता है, पटवारी बनना चाहता है, ग्राम सेवक बनना चाहता है, तो वो उन निचले स्तर के एग्जाम्स में भी वो कामयाबी हासिल कर पाएगा। तो इस मकसद के तहत हम ये फाउंडेशन लेवल का कोर्स उनको करवाते हैं 5 महीने का, ताकि उनकी सामान्य ज्ञान पर भी मजबूत हो सके पकड़। और मेन चीज होती है आत्मविश्वास कायम करना कि कामयाब हम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मोटिवेशनल क्लासेस भी हम साथ साथ लगाते हैं और टीम से उनका रास्ता बराबर कायम रखे जाने की कोशिश हम करते हैं। दीनी क्लासेस भी साथ साथ चलती है। नमाज का एहतमाम पूरे बैच में मुकम्मल चलता है जितने महीने वो बच्चे यहाँ रहते हैं हॉस्टल में। अब ये 4 से 5 माह का कोर्स है। कोर्स के दौरान बच्चे हॉस्टल में ही रहते हैं जोधपुर में। बच्चों को मुहिम की तरफ से एपिन और बैग और जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। हर सप्ताह बच्चों का टेस्ट होता है। बेस्ट फैकल्टीज को चूज करके हम यहाँ लगाते हैं। ऐसा नहीं कोई भी सस्ती फैकल्टी, जो अपने सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट है उसको लेकर हम यहाँ फैकल्टीज को चयन करते हैं और 100 बच्चों का चयन करते हैं इस कोर्स के लिए। पूरे राजस्थान से हम एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसमें बच्चे अपियर होते हैं, फिर हम उनका एक इंटरव्यू लेते हैं, फिर जो जिस जिले से वो आ रहा है तो हर जिले में हमारा एक जिम्मेदार अपॉइंटेड है उस जिले की अभिशंसा। तो इन तीन और उसके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं, इन तीन बुनियाद 4 बुनियादों पर हम सॉर्ट आउट करते हैं, बच्चों की एक मेरिट बनाते हैं। उस मेरिट में जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसको यहाँ जोधपुर बुलाकर और ये 5 महीने का कोर्स करवाया जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि दीन से उनका रابطہ बना रहे तो उसके लिए हम ये आप देख रहे हैं नमाज की एक किताब है। नमाज की ताकीद और नमाज की पाबंदी जरूर रहती है तो नमाज की ताकीद करते रहते हैं और नमाज के तरीके के लिए हमने किताब शाया की है, हर बच्चे को हम देते हैं। साथ में मुहिम क्लासेस के नाम से आप देख रहे हैं एक डायरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आदमी अपना इंट्रोस्पेक्शन रोज करे। मैंने आज क्या काम किया, क्या पढ़ा, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, अस्कार किए नहीं किए, तो ये हमने डायरी तैयार की है। इसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं कि आज मैंने इस वक्त की नमाज छोड़ दी, या आज मैंने ये तस्बीह नहीं पढ़ी, या मैंने आज क्लास मिस कर दी, या मैंने जो 2 घंटे हमने नियम बना रखा है कि आप यहाँ से जाने के बाद इतनी देर वापस रिवीजन करेंगे, वो किया या नहीं किया। तो अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये डायरी हर बच्चा रोजाना पढ़ता है, जिसके मुहिम के जिम्मेदार जो है उसको वक्तन फवक्तन चेक करते हैं। उसके बाद बच्चों को, जो बच्चे बाहर से आते हैं तो उनकी ख्वाहिश भी रहती है, कोई अलवर से आया है, कोई बीकानेर से आया है, साथ जोधपुर जब आए तो कम से कम जोधपुर या अतराफ में हमें आप घुमा भी दीजिए। तो एजुकेशनल टूर भी हमारा साथ में हम उन बच्चों को करवाते हैं ताकि उनकी दिलचस्पी भी बनी रहे। मोटिवेशनल स्पीचेस हम करवाते रहते हैं। आज के हमारे बहुत मोहतरम अध्यक्ष महोदय यहाँ तशरीफ फरमा है, आप भी हमेशा हर क्लास में आते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। निसार साहब भी यहाँ मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको हम यहाँ बुलाते हैं, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और वो उनको ना सिर्फ गाइड करते हैं उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट होता है और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए तो मॉक इंटरव्यूज भी करवाए जाते हैं। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं सही साहब हैं या दीगर लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो ये मॉक इंटरव्यू है। मॉक इंटरव्यू भी करवाते हैं ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और उनको ये पता चले कि उनकी वीकर साइड कौन सी है पर्सनैलिटी की, क्या वो कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ है या जीके कमजोर है, जो भी चीज है, तो उनको खुद को भी इवेल्यूशन हो जाता है उनका भी और जो उनका मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी इस जानी उनकी तवज्जो दिलाते हैं।
सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू है, एकेडमिक बैकग्राउंड है और जिले के जो जिम्मेदार हैं उनकी अभिशंसा। टोंक में जो मैंने आपके जिक्र किया, रीट के 3 बैच हमारे हो चुके हैं, तो इसमें तकरीबन 20 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ये टोंक की क्लास है, ये देख रहे हैं बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद लाइब्रेरीज के बयान की जो हम बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल और एक सुकून, गाइडेंस अपनी जगह है, ये दो चीजें मयसर हो जाए तो हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि घरों के अंदर और मोहल्लों में, खासतौर से हमारे मोहल्लों में थोड़ा सा इस माहौल का फुकदान रहता है, तो लाइब्रेरी एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो लाइब्रेरी का कयाम हम इसलिए जो पॉइंट आपके सामने लिखे हैं हम करना चाह रहे हैं। इसमें मुहिम की एक कोशिश और है कि जो हमारी मसाजिद हैं, जो हमारे मदारिस हैं, जो हमारे नोहरे हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जगह है, तो मसाजिद के साथ मुंसलिक अगर कोई हॉल है या अंडरग्राउंड में कोई हॉल है, या मदारिस के पास ऐसी जगह है कि उनके पास एक कमरा हमें लाइब्रेरी के मिल जाए, या नोहरे हैं जो सिर्फ वक्तन फवक्तन शादी ब्याह के काम आते हैं, तो ये जो जगहें हमारे पास अवेलेबल हैं इनको क्यों ना तालीम से जोड़ दिया जाए। इससे दो फायदे होंगे, नौजवान मस्जिद से उनका ताल्लुक कायम होगा, प्लस हम जो है उस जगह का इस्तेमाल कर पाएंगे लाइब्रेरी के लिए। तो जो मसाजिद के, नोहरों के या मदारिस के मोहतमिम है या जो जिम्मेदारान है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो इस दिशा में हमारी मदद करें और इस काम को भी आगे ले जाने के लिए हमारे साथ ताउन करें। ये लाइब्रेरीज के कयाम की जो बात मैंने की, ये मालपुरा टोंक में एक लाइब्रेरी है, उधर तो देख रहे हैं आप किशनगढ़ के अंदर एक लाइब्रेरी जो है वो कायम की गई है, एक नैनवा बूंदी में भी लाइब्रेरी कायम है जिसका फोटो इसमें नहीं है। स्कूल लेवल की कोचिंग, ये मालपुरा की फोटो है, बाकी फोटो मेरे पास नहीं थी मैं इसलिए ऐड नहीं कर पाया, लेकिन नैनवा और कुटड़ा में भी हमारी स्कूल लेवल कोचिंग चल रही है, जल्दी जोधपुर में शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जिसकी मैंने आपको बात की थी, तो ऑनलाइन क्लासेस, साप्ताहिक टेस्ट, रोजगार समाचार और इस्लामिक क्लासेज, इस सब के हमारे व्हाट्सएप चैनल भी बने हुए हैं और टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं और यूट्यूब, इन तीनों मीडियम का हम इस्तेमाल मुसलसल जो है वो इन कामों के लिए कर रहे हैं। ये यूट्यूब का चैनल है मुहिम का। अब हॉस्टल की जो मुहिम है, जो हमारा मेन मकसद था, हॉस्टल वक्त की जरूरत है और हम चाहते हैं कि हर जिला मुख्यालय पर हॉस्टल मुहिम का कायम हो जाए। ये कोटा में जो है लड़कों के लिए हमारा हॉस्टल है जो अभी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, इसका किराया 10 लाख रुपए सालाना है। 35 बच्चे इस हॉस्टल के अंदर, मुस्लिम बच्चे रह रहे हैं कोटा में, जो नीट या जेईई की तैयारी के लिए आते हैं, और दूसरे हॉस्टल के मुकाबले यहां सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाजों की पाबंदी के लिए भी जगह बना रखी है जहां बाद जमात बच्चे नमाज पढ़ सकते हैं नमाज के वक्त। और हसबे जरूरत सबसे बड़ी चीज है कि कोटा में जब बच्चा जाता है तो उसकी कंटिन्यू उस पर वॉच करना और उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किस तरह की खबरें आती हैं आत्महत्या वगैरह की, वो उनसे आप सब बेखबर नहीं है। तो मोटिवेशनल क्लासेस और कंटिन्यू काउंसलिंग जो है उसके जरिए हम बच्चों से उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो 35 बच्चे हमारे इस बॉयज हॉस्टल में रह रहे हैं और एक गर्ल्स का हॉस्टल भी हम चला रहे हैं कोटा में लड़कियों का, ये भी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। इसका किराया जो है वो सालाना 6 लाख रुपए है। इसके अंदर 26 लड़कियां अभी रह रही हैं और यहां भी नमाज और अस्कार की पाबंदी और दीगर जो चीजें हैं वो सेम है। ये दोनों जो हॉस्टल हमारे चल रहे हैं, इनमें हम बच्चियों से लागत जो भी हमारी आती है खर्च, वो लागत खर्च उन बच्चियों से वसूल करते हैं, बच्चों से वसूल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और उसी पैसे से जो हम उनसे हासिल करते हैं, ये हम इस पे नो प्रॉफिट नो लॉस के की बुनियाद पर ये दोनों हॉस्टल अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं। अब कोटा में जो हम बड़ा हॉस्टल लेना चाह रहे हैं उसकी क्या वजह है वो सब आप जानते हैं। हर साल तकरीबन 3,000 लड़कियां आती हैं, तो लड़कों की तरह तो आप समझ सकते हैं कितनी होगी। अब ये है उनको हॉस्टल मिलना मुश्किल होता है, खुसूसन लड़कियों के लिए ऐसा हॉस्टल जिस तरह का हमारा मुआशरा है उसके मुताबिक हॉस्टल उनको नहीं मिल पाता और बहुत तरह के समझौते करने पड़ते हैं, उसके बाद भी मुश्किल से मिलता है। तो लड़कियों के लिए हॉस्टल में ज्यादा परेशानी है, इसलिए मुहिम ने यह तय किया कि सबसे पहले लड़कियों के हॉस्टल पर काम किया जाए। तो मिलता भी है तो पाबंदियों के साथ मिलता है, दूसरा क्या है फीस बहुत ज्यादा होती है और फैसिलिटीज कम, और दीनी माहौल मयसर होगा इसका तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और जो खतरात हैं वो आपके पेश नजर हैं।
नशे की लत भी लगती है और इब्तलात का खतरा रहता है, वो भी आप सब जानते हैं। जब ऐसे माहौल में बच्चे रहते हैं तो माहौल का बच्चों पर और बच्चियों पर जल्दी असर पड़ता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुहिम ने यह फैसला किया कि कोटा में अपना खुद का हॉस्टल होना चाहिए। तो अभी जो हॉस्टल हमने खरीदा है कोटा के अंदर 3.5 करोड़ रूपये की कीमत का, वो ये आपके सामने फोटो है। ये G+3 की आलिशान बिल्डिंग है, शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां आसपास कोचिंग है ताकि बच्चियों को दूर से नहीं आना पड़े। शहर से बाहर अगर हॉस्टल है तो उसकी हिफाजत कम हो जाती है। शहर में अगर हॉस्टल हो और वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, बच्चे आसानी से आ जा सके, तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बिल्डिंग खरीदी गई है। इसके अंदर 150 लड़कियां एक साथ रह सकती हैं, 150 बच्चियां एक साथ रह सकती हैं। इसमें 8 ब्लॉक हमारा बनाने का इरादा है। बिल्डिंग बनी हुई है, यानी उसको 8 ब्लॉकों में हम तकसीम करेंगे और हर ब्लॉक के अंदर एक लाइब्रेरी होगी, नमाज के लिए अपनी जगह होगी, ताकि 150 बच्चियों का निजाम जो है वो हम तरीके से संभाल सकें, खलत पलत ना हो। खाने पीने का इंतजाम यही रहेगा, मैच यहीं पर होगा और नमाज के लिए और लाइब्रेरी के लिए जैसे मैंने बताया हर ब्लॉक में इंशाल्लाह जगह होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत मुनासिब फीस में, अभी कोटा में 10 से 12 हजार रूपये के आसपास अगर ढंग का हॉस्टल बच्चियां लेती हैं तो 10 से 12-13 हजार रूपये के आसपास उनको खर्च करना पड़ता है महाना खाने के साथ। हमारा जो ये हॉस्टल है, हमारा इरादा ये है कि हम इस हॉस्टल में 4 से 5 हजार रूपये में उन बच्चियों को खाना और रिहायश दोनों अवेलेबल करवाएंगे। बाकी की चीजें तो साथ में है, दीनी माहौल है या दूसरी सेफ्टी है, मोटिवेशनल क्लास है, वो सब चीज। 12 हजार की जगह 5 हजार रूपये या 4 हजार रूपये जो भी जिम्मेदार तय करेंगे, उसमें बच्चियों को रिहायश और ताम खाने का इंतजाम किया जाएगा। जो सबसे पॉजिटिव चीज इस प्रोजेक्ट की है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जोधपुर में जो मुहिम की हमारी कोर कमेटी है जिसमें हमारे अफ्तर साहब हैं, मैं हूं, आपके खिलजी साहब यहां बैठे हैं, उमर फारूक साहब हैं, इकबाल अली रंगेश साहब जेडीए, और बहुत सारे लोग, सुलेमान साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके सबके नाम लेना मुमकिन नहीं। और हमारे वो लोग जिन लोगों ने इसको, इस सपने को, इस साफ को सच करने के लिए हमारा साथ दिया, क्योंकि उनके बगैर जो लोग स्टेज पर तशरीफ फरमाए और आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप लोगों के ताउन के बगैर जाहिर सी बात है खाब खाब था। हमारा इरादा यह है कि हम यहां 5 हजार रूपये या 4 हजार रूपये जो भी नॉमिनल फीस है उसमें बच्चियों को रखेंगे। अगर इतनी फीस हम बच्चियों से लेते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इस हॉस्टल से सालाना 30 से 40 लाख रूपये की इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं एक ताली इस बात को हो जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताया और आप लोग जो मौजूद हैं, हम सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नौकरियां कर रहे हैं, मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं, आप दूसरे लोग भी, तो ये बार बार उम्मत के पास हम लोग झोली फैलाने नहीं जा सकते, ये हमारे लिए भी मुश्किल काम है। तो हमारा मंसूबा ये था कि ऐसा प्रोजेक्ट हो कि उसमें इनकम जनरेट हो, इनकम जनरेट होगी तो हम उसको लंबा चला पाएंगे। अभी जो 30-40 लाख रूपये की सालाना इनकम होगी इंशाल्लाह, तो अगर कुछ रकम बाकी रहती है पहले हम इसको अदा करेंगे, उसके बाद दूसरे जो जिले हैं उन जिलों में भी हॉस्टल, और सबसे बड़ी जो जरूरत है हमारी लाइब्रेरी। हमारा इरादा यह है कि हर जिले में जहां जहां जरूरत है हर ब्लॉक लेवल पर एक लाइब्रेरी का कयाम किया जाए। तो वो लाइब्रेरीज का कयाम, दीगर हॉस्टल्स का कयाम और जो हम क्लासेस लगा रहे हैं वो सारी, तो इंशाल्लाह जब इनकम जनरेट होगी तो वो हम कर पाएंगे। तो ये समझिए कि आप लोग जो भी डोनेट कर रहे हैं वो एक बुनियादी काम होने वाला है इंशाल्लाह, और उससे अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत आगे तक इंशाल्लाह हम लोग जाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये कोटा का हमारा हॉस्टल 3.5 करोड़ रुपए की कीमत है। 23 अक्टूबर ये हमारी ये वाली तारीख, ये हमारी अदायगी की तारीख है। और ये सही बात यह है कि हम सब लोगों के सामने जब ये प्लान आया था जोधपुर वालों के सामने, तो हमें भी ये ख्वाब लगा था। तो 3.5 करोड़ रुपए, हमने कभी किसी से 1 रुपया चंदा नहीं मांगा, क्योंकि ये हमारा कभी जॉब नहीं रहा या हम कभी इस जानिब गए नहीं। तो बड़ा, लेकिन हमारे साथ अफ्तर साहब हैं, अफ्तर हिंदुस्तानी साहब जो हमारे आगेवान रहे हैं हमेशा, और उनका उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए। अफ्तर साहब का असल में ईमान इसको कहते हैं, हमने जब भी उनके सामने बात रखी कि भाईजान ये कैसे होगा, तो उनका एक ही जुमला होता था, आप और मैं थोड़ी करेंगे, अल्लाह करेगा। तो वो जब ये कह रहे थे अल्लाह करेगा,
तो इसके आगे कुछ नहीं। माफी चाहता हूं मैं थोड़ा, असल में ये मुहिम जो है ना, हम लोग जनता के तौर पर से जुड़ गए और अफसर साहब का जब मैं उनका ये हौसला देखता हूँ और अल्लाह का तवक्कुल देखता हूँ, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आप सबको ऐसा तवक्कुल अता करे कि अल्लाह का ये प्लैंक है, यही ईमान है, यही हमारी ताकत। तो तकरीबन 1.5 करोड़ तक हम पहुंच गए थे, 1 करोड़ का टारगेट हमने जोधपुर से रखा है, 40-45 लाख रूपये हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों के लिए एक बार तालियां, ये बहुत बड़ा काम, 40-45 लाख रूपये हमने 7 दिनों में आप लोगों ने जो है ये घोषणा की है, ये नाकाबिल यकीन बात है, मेरे लिए तो कम से कम नाकाबिल यकीन बात है। और मुहिम की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है, हम ये सोच रहे थे कि अगर ये 2-2.5 करोड़ हम इकट्ठा कर पाए और 1 करोड़ भी हमारे पास बाकी रात में, हम उधार लेंगे लोगों से, या कुछ हमारे जो नौकरी पेशा सब लोग हैं कोई 10-10 लाख रुपए पर्सनल लोन ले लेगा और 1 करोड़ इकट्ठा करके इसको 3.5 करोड़ रुपए लौटा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह, एक बार इंशाल्लाह आप कहते तो जरूर मैं समझता हूं कि उधार नहीं लेना पड़ेगा हमको इंशाल्लाह। ये अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। तो मुहिम जो इतने दिनों से आपके पास आ रही थी, जो आपको व्हाट्सएप किए जा रहे थे, जो फेसबुक पर मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे, उन सबकी मंशा यही थी कि आप लोग हम सब मिलकर, चाहे वो 1 रुपए का ताबून हो जैसा भी सर ने बताया, हस्बे आपके इस्तेदार, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 100 का हो, और जिसकी इस्तेदार 5 लाख की है उन्होंने 5 लाख का भी दिया है, जिनकी इस्तेदार 1 लाख की थी उन्होंने 1 लाख का दिया। अल्लाह ताला इन सबके इस ताबून को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इसके बदले में बेशुमार नेकियां अता फरमाए। तो ये थोड़ा सा तारुफ इसका था मुहिम का जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसके बाद मैं माइक्रोफोन वापस हैंड ओवर करता हूँ रजाउल्लाह को। रजाउल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।